व्यंजन वर्ण की परिभाषा भी आपको बताऊंगी। तो व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, यानी कि इनको बोलने के लिए हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, तो वो कोई और वर्ण कौन सा है? स्वर वर्ण है। ठीक है जी, व्यंजनों को बोलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, ये स्वतंत्रता से नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन में। तो आज की मेरी क्लास जो है वो व्यंजन वर्ण पे है। कल हमने किया था वर्ण, उसके आगे भेद, यानी कि स्वर व्यंजन जो था वो कल हमने कर लिया था, स्वर वर्ण सॉरी, वो हमने कल कर लिया था। आज जो उसका नेक्स्ट है वर्ण का दूसरा भेद, व्यंजन वर्ण। ठीक है जी, तो वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास व्यंजन वर्ण से। व्यंजन वर्ण, सबसे पहले तो हम व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे कि व्यंजन वर्ण होते क्या है। तो व्यंजन वर्ण जैसे स्वरों का किया था, थोड़ा सा मैं पिछला आपको बता देती हूँ, जैसे स्वरों का किया था, तो स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी कि जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम स्वर। तो उसी तरह अब मैं व्यंजन वर्ण की परिभाषा भी आपको बताऊंगी। तो व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, यानी कि इनको बोलने के लिए हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, तो वो कोई और वर्ण कौन सा है? स्वर वर्ण है। ठीक है जी, व्यंजनों को बोलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, ये स्वतंत्रता से नहीं बोले जा सकते, वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की मूल संख्या मैंने आपको कल भी बताई थी, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, 33 है। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कुल कितनी है, तो वो 39, दिमाग में रखिएगा, कुल 39 है, मूल कुल जो है वो 39 है और मूल जो है वो 33 है, 33। ठीक है जी, तो बात करते हैं व्यंजन वर्णों के भेदों के बारे में। तो व्यंजन वर्ण के जो भेद हैं वो कुल 6 हैं, और ये जो संख्या है व्यंजन वर्णों की, कल भी आपको बताई थी, एक बार फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन है आपके 25 प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है आपके 4 प्लस ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्मीय व्यंजन है आपके 4 प्लस दो जो हैं वो हैं आपके उत्क्षेपित व्यंजन, या जिन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, वो भी 2 हैं, प्लस 4 हैं आपके संयुक्त व्यंजन, टोटल संख्या 39। और अगर इसको और इसको काट दें तो यहां तक टोटल संख्या कितनी होगी आपकी? 33, जो हमारी मूल संख्या है। और अगर सबको मिला दिया जाए तो कुल संख्या 39 व्यंजन वर्णों। ठीक है जी, भेदों की बात करते हैं, व्यंजन वर्णों के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे डिटेल में बताया, वो ही व्यंजन वर्णों के भेद हैं सारे के सारे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, यानी कि द्विगुण व्यंजन भी जिन्हें कहते हैं, साथ ऊष्मीय व्यंजन, उत्क्षेपित व्यंजन जिन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, और साथ में आपके संयुक्त व्यंजन। तो ये सारे आपके क्या हैं? ये भेद भी हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन टोटल संख्या है क से म तक 25। परिभाषा जान लेते हैं पहले थोड़ी सी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमें जब भी हम कोई भी टॉपिक कर रहे हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को हो, ना कि मैं हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ, अदर सब्जेक्ट की भी बात करें, ठीक है जी, तो अगर कोई भी सब्जेक्ट, चाहे आप अपनी हिस्ट्री ले लो, जीके ले लो, इंडिया जीके ले लो, एचपी जीके ले लो, इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप कर रहे हो, तो मुझे ये लगता है कि आपको उसको थोड़ा सा ब्रीफली जानना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा गहराई से जानना जरूरी होता है। पता क्या होता है इससे, यानी कि अगर आप एक परिभाषा किसी भी इसकी पढ़ोगे, जैसे मैं यहाँ पे स्पर्श व्यंजन के आपको बता रही हूँ कि परिभाषा, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लोगे तो पूरा का पूरा टॉपिक, मेरे को ये लगता है कि इसी से वो पूरा का पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो इसलिए हर एक टॉपिक की, कोई भी टॉपिक होता है, उसका डिटेल जो होती है वो थोड़ी सी पढ़नी बहुत जरूरी है, थोड़ा सा जानना उसको बहुत जरूरी होता है। लेकिन आजकल बच्चे क्या करते हैं कि आजकल एक शॉर्टकट की अपनाते हैं, कि हम क्या करेंगे कि हम, यानी कि एक
जैसे वन लाइनर में क्वेश्चन, वो ज्यादा ढूंढते हैं कि वन लाइनर में बस एक क्वेश्चन, आगे उसका आंसर, क्वेश्चन उसका आंसर। नहीं, वन लाइनर में पढ़ो, लेकिन सबसे पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा जानो, उसका यानी कि पूरा थोड़ा सा डिटेल जानो, फिर जाके वन लाइनर में जाओ। डिटेल जानोगे तो वन लाइनर खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है जी, वन लाइनर एकदम से याद करने में इतना कितना कर पाओगे आप, 100 करोगे, 200 करोगे, 300 करोगे, इसके ज्यादा नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप एक बार पूरी हिस्ट्री, उसका पूरा परिभाषा, ये पूरा इतिहास एक बार जान लोगे किसी भी टॉपिक का, तो मेरे को ये लगता है कि वो पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो आपका क्या होगा, कवर हो जाएगा उसमें। तो परिभाषाएं या डिटेल जो होती है वो बहुत ही जरूरी होती है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्पर्श व्यंजन, थोड़ी सी परिभाषा आपको बताऊंगी। जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि का अधिक उपयोग होता है। अब ये क्या है, ये है हमारे मुख के भिन्न अवयव। अवयव यानी कि पार्ट, भाग। हमारे मुख के भिन्न भाग हैं, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। तो स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि का अधिक प्रयोग होता है, यानी कि इनको बोलने में हमारे मुख के भिन्न भागों का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इनकी मूल संख्या 16 और कुल संख्या 25 होती है। तो टोटल संख्या करते हैं हम क से म तक 25। और याद रखिएगा, प्रत्येक प्रत्येक इसमें प्रत्येक लाइन में, ये मैं वर्ग बोलूंगी, प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं और ये 5 ही होते हैं। अब इनको याद करने का मैं तरीका आपको बताती हूँ। तो क वाली लाइन को हम लिखेंगे कवर्ग, च वाली लाइन को बोलेंगे चवर्ग, ट वाली लाइन को बोलेंगे टवर्ग, और त वाली लाइन को बोलेंगे तवर्ग, और प वाली लाइन को बोलेंगे पवर्ग। ठीक है जी, तो प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण, और 5 ही आपके पूरे वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। आगे प्रश्न इसी से आते हैं, अलप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, यहीं से पूछे जाते हैं, इन्हीं वर्गों में से। तो थोड़ा सा याद करने हैं, ये जरूरी है वर्णमाला, और हिंदी की वर्णमाला सभी को, मेरे को ये लगता है कि याद जरूरी होती है। अगर आपने किसी छोटे बच्चे को भी पढ़ाना है तो वहां पे भी बहुत जरूरी है, हिंदी पढ़ाते हैं ना बच्चों को, स्टार्ट करते हैं तो बहुत जरूरी है। देखिए जी, कवर्ग, क ख ग ग अ खाली कहां से बोला जाता है आपका, कंठ से। चवर्ग, च छ ज झ य खाली कहां से, उच्चारण स्थान भी साथ में बता रही हूँ, तो बोला जाता है आपका तालु से। तालु होता है ऊपर वाला पार्ट, कल भी बताया था। टवर्ग, ट ठ ड ढ ण कहां से बोला जाता है आपका, मूर्धा से। मूर्धा होता है कंठ और मुख का बीच वाला भाग। त थ ध ध न यानी कि तवर्ग कहां से बोला जाता है, दंत, मतलब हमारे जीवा जो है वो दांतों को टच करती है। बोलते एक बार ट्राई करना सबको बोलने का, अपने आप उच्चारण स्थान पता चलता है। जैसे त थ द ध न, जीवा जो है वो हमारे दांतों को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। अगला है प फ ब भ म यानी कि पवर्ग। तो पवर्ग वाला वर्ग जो है वो आपका ओष्ठ, ओष्ठ होते हैं हमारे होंठ, होंठों को टच कर रहा है, ऐसे चिपक रहे हैं होंठ, प फ ब भ म आपस में। ठीक है जी, तो इन 25 वर्णों को एक शब्द में उदित कैसे करते हैं, स्पर्श व्यंजन। यानी कि इन 25 वर्णों को हमने एक ही शब्द में सीमित कर दिया है, स्पर्श व्यंजन। तो ये हुआ आपका व्यंजन वर्ण का पहला भेद, और साथ में आपको व्यंजनों की संख्या भी साथ में बताई जा रही है। दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं अंत, देखो नाम से पता चलता है, अंत मतलब अंदर, स्थ मतलब खींचना अंदर की ओर। ठीक है जी, तो अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ खींची जाए, यानी कि जब हम कुछ भी बोलते हैं तो वो अपनी श्वास वायु के तहत ही बोलते हैं ना, सांस को कभी अंदर लेते हैं, कभी बाहर निकालते हैं, तो अंतस्थ में वो ही बताया गया है कि इनको बोलते समय हम सांस को क्या करते हैं, अपने अंदर की तरफ खींचते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या टोटल 4 होती है, कौन कौन से, य, र, ल और व, 4 संख्या है, और ये आपके मूल संख्या में भी ऐड होते हैं। आगे नोट दिया है, दिमाग में रखना है, जरूरी बातें हैं वो साथ में नोट के तहत आपको यहाँ पे बताई गई हैं। य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, इनके आधे स्वरों में भी ऐड किया जाता है। अगला तीसरा भेद जो है वो है ऊष्णीय व्यंजन।
या उष्ण व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन भी जिन्हें कहते हैं, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में शरीर में गर्मी पैदा हो जाए उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। नाम से पता चलता है इसका भी, उष्ण उष्ण यानी कि उष्मा, उष्मा मतलब जो गर्मी उत्पन्न होती है हमारे शरीर में ना, गर्मी गर्मी उसको क्या कहते हैं हम, ऊष्मा कहते हैं उसको, ऊष्मा। तो ऊष्मीय व्यंजनों को बोलते समय हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है तो वो ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। संख्या चार है, बोलते समय भारी भरकम है ना, जैसे ज्यादा अगर आप भार उठा लोगे तो क्या होगा, शरीर से पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे इनको बोलते समय गर्मी महसूस होती है। श स स ह यानी कि तीन स और ह आपका किसमें आएगा, ऊष्मीय व्यंजन। चलिए जी अगला बात, यहाँ तक तो आपकी मूल संख्या कंप्लीट हुई, अब टोटल संख्या की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपकी 33 कंप्लीट हो गई, अब 33 से नेक्स्ट चल पड़े हैं और साथ में भेद भी बता रही हूँ। चौथा है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होता है जो व्यंजन वर्ण दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या भी चार होती है, कौन कौन से, क्ष क्ष क्षत्रिय वाला, त्र त्र त्रिशूल वाला, ज्ञ ज्ञ ज्ञानी वाला, श्र श्र श्रमिक वाला। ठीक है जी, कैसे इनका यहाँ पे यानी कि दो वर्णों के मेल से ये कैसे बने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है आपका क्ष, क्ष बना है क प्लस श के मेल से। सेकंड है आपका त्र, तो त्र बना है आपका त प्लस र के मेल से। थर्ड है आपका ज्ञ, ज्ञ ज्ञानी, ज्ञ बना है ज प्लस य के मेल से। और लास्ट है आपका श्र मतलब श्र श्रमिक, ये बना है आपका श प्लस र के मेल से। ठीक है जी, चार हैं, चारों का मैंने आपको यानी कि बता भी दिए कौन कौन से वर्णों को मिलाकर बने हैं। और एक और बात बताना चाहूंगी कि जब भी हम किसी अक्षर को तोड़ रहे हैं तो उसका जो पहला अक्षर जब तोड़ के दो अक्षरों में डिवाइड करते हैं तो पहला वर्ण या पहला अक्षर जो होगा वो हलंत होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको मैक्सिमम कई बार बहुत ये होता है कि जैसे क के, जैसे क्ष का मेल पूछ लिया तो वहां पे दो ऐसे भी आ सकते हैं कि दोनों में हलंत हो या फिर श पे हलंत हो, या एक ऑप्शन जो होगा वो तो राइट होगा और बाकी जो चार होंगे वो आपको पता है कि रॉन्ग होंगे, है ना जी, या फिर किसी पे भी हलंत नहीं होगा। तो जिस पे क पे हलंत होगा वो ही ऑप्शन ठीक होगा, यानी कि पहले वर्ण पे जो हलंत होगा वो ही ठीक होगा। अगले बात करती हूँ, अगला नेक्स्ट द्विगुण व्यंजन, जिसको उत्क्षेपित व्यंजन भी कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों में व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं उन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं, लेकिन ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। व्यंजन वर्णों के गुण इसलिए पाए जा रहे हैं क्योंकि इनको ड डमरू और ढ ढक्कन से हमने पैदा किया है। ठीक है जी, जैसे यानी कि ड डमरू के नीचे अगर बिंदी लगा दें तो वो ड बन जाता है, या ड ढक्कन के नीचे बिंदी लगा दें तो वो भी ड बन जाता है, सेम साउंड करते हैं ये व्यंजन, तो इनको कहते हैं द्विगुण व्यंजन। ठीक है जी, कैसे बताती हूँ, एक जैसे प्रयुक्त करती हूँ शब्द में, जैसे सड़क और एक मैं लिख रही हूँ रायगढ़, तो दोनों में ड ड आ रहा है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे ड डमरू का है और यहाँ पे ड जो है वो ढक्कन वाला है वो, तो इसलिए इनको कहते हैं द्विगुण व्यंजन, क्योंकि ये बने हैं आपके व्यंजन से। ठीक है जी, यहाँ तक टोटल संख्या आपकी कंप्लीट हुई 52, स्वरों को और व्यंजनों को मिलाकर पूरी बता रहे हैं। अगला यहाँ पे यानी कि मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये तुर्की भाषा से लिए गए हैं। ठीक है जी, और हिंदी में फारसी भाषा के पांच वर्ण होते हैं, ये भी दिमाग में रखिएगा, आगे शब्द वाला टॉपिक करवाऊंगी तो उसमें शब्द बताए गए होंगे, लेकिन ये वर्ण है थोड़े से, क जहाँ पे बिंदी लगी होती है ख, और यहाँ पे ग के नीचे बिंदी, जो बिंदी लगी होती है नीचे उनको, ये ज के नीचे बिंदी या फ के नीचे बिंदी, तो ये सारे जो हैं ये फारसी भाषा से लिए जाते हैं जब बिंदियां लग जाती हैं। यहाँ तक हमने टोटल आपको मैंने ये बता दी, आपको मूल संख्या पूरी की पूरी कंप्लीट की आपकी। एक ऊपर है वैदिक व्यंजन, जो व्यंजन वर्ण केवल वेदों तक ही सीमित रह गया, हिंदी में इसका उपयोग नहीं होता है, उसे वैदिक व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या है एक, यानी कि जैसे जो कोष्टक में लिखा जाता है क, वो वैदिक व्यंजन में ऐड होता है। ठीक है जी, टोटल संख्या व्यंजनों की वो भी मैंने बता दी। ठीक है,
यहां तक मैंने आपको पूरी संख्या जो थी वो करवा दी थी कि यानी कि स्पर्श व्यंजन क से म तक 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्मीय व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4 और द्विगुण व्यंजन 2, तो टोटल संख्या 39 व्यंजनों की मैंने यहाँ तक आपको बता दी थी। आगे आते हैं प्रश्न जो हमारे मैंने बताया था वर्गों से रिलेटेड होते हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया। वायु संवेग के आधार पर यानी कि अगला भेद ये स्टार्ट हुआ है आपका ऐसे वर्ण का, लेकिन ये प्रश्न अलग से आपसे पूछे जाते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं? सबसे पहले तो अल्प, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अल्प का अर्थ होता है कम और महा का अर्थ होता है अधिक, ठीक है जी। तो अल्प प्राण, अल्प प्राण का अर्थ होता है थोड़ा थोड़ी हवा, मतलब कि इनके उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो श्वास वायु है वो बहुत धीरे से ली अथवा छोड़ी जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अल्प प्राण। तो इसलिए मैंने पहले आपको अर्थ जो था वो इसका समझा दिया था कि अल्प प्राण का अर्थ होता है कम, ठीक है। अल्प प्राण में निम्नलिखित ध्वनि आती है, कौन सी ध्वनि आती है? देखिए जी, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण, और प्रत्येक जो वर्ग है वो आपको बताए थे, यानी कि जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो इन प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि क वाली लाइन से क होगा, ख नहीं होगा, ग होगा, घ नहीं होगा, अ खाली, च होगा, छ नहीं होगा, ज होगा, झ नहीं होगा, य खाली, ट होगा, ठ नहीं होगा, ड होगा, ढ नहीं होगा, ण खाली, त होगा, थ नहीं होगा, द होगा, ध नहीं होगा, न होगा, प होगा, फ नहीं होगा, ब होगा, भ नहीं होगा, म होगा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। महाप्राण ध्वनियां जो हैं वो निम्नलिखित हैं, कौन सी हैं? वो है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, जो बच गए वो, पांच वर्ण होते हैं तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ये क से ये जो है छ है, च से ये ट से, ये त से और ये प से, वर्ग वाली लाइन, ठीक है जी। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा आपका किसमें आएगा? महाप्राण में, प्रत्येक और साथ में जो ऊष्मीय व्यंजन है कौन से? श, स, तीन, स और ह, महाप्राण में आएंगे, ठीक है जी। तो प्रत्येक स्वर ना तो अल्पप्राण में आता है ना ही महाप्राण में। अगला जो वर्ण का भेद है वो है आपका तार तत्व के आधार पर, ये तार तत्व भी जिसे कहते हैं, वर्ण का नेक्स्ट भेद है ना। लेकिन ये प्रश्नों में भी पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में बताया, वैसे ही ये भी एक तरह का आपका यानी कि एग्जाम में प्रश्न आता है। तो पहला है इसमें घोष यश घोष वर्ण, दूसरा है इसमें अघोष वर्ण। तो पहले वाले की बात करेंगे, घोष या सुघोष दोनों सेम है, कई बार घोष होता है कई बार अघोष होता है, ठीक है जी। तो घोष या सुघोष वर्ण क्या होते हैं पहले इनके बारे में जान लेते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में तार तत्व या प्रकंपन, तार तत्व होता है गूंजना या कंपन पैदा होता है उसे घोष वर्ण कहते हैं। ये प्रत्येक घोष वर्ण जो होता है वो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण घोष वर्ण होता है, यानी कि वर्ग आपको मैंने पीछे भी बताया, यानी कि जैसे क है, ये च है, ये ट है, ये त है और ये प वाला जो वर्ग है वो, ठीक है जी। मतलब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इनकी प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण है वो किसमें आएगा? आपका घोष वर्ण में आएगा। ग, घ, प खाली, ज, झ, य खाली, खाली, ड, ढ, ण खाली, द, ध, न, ब, भ और म। और साथ में इसमें और क्या क्या आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। साथ में इसमें आएगा आपका जो अंतस्थ व्यंजन है चार, य, र, ल और व, और साथ में आपका जो ऊष्मीय व्यंजन का ह है वो आएगा, और साथ में आपके जो 11 स्वर हैं वो भी इसमें ऐड होंगे, यानी कि इसका बहुत कुछ आता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण प्लस चारों अंतस्थ व्यंजन प्लस ऊष्मीय व्यंजन का ह और सारे के सारे स्वर भी इसमें ऐड होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं।
यहाँ पर दिया है प्रत्येक स्वर वर्ण भी घोष वर्ण होता है। अगला दूसरा है आपका घोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में तार तत्व मतलब कि गुंजन या प्रकंपन पैदा ना हो उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का कौन सा पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण है, जो बच गए तो वो किसमें आएंगे आपके अघोष वर्ण में आएंगे। ठीक है जी, तो पहला और दूसरा यानी कि क ख कवर्ग वाली लाइन से, च वर्ग वाली लाइन से, च और च और छ। ठीक है जी, टवर्ग वाली लाइन से ट और ठ, तवर्ग वाली लाइन से त थ और पवर्ग लाइन से प और फ। ठीक है जी, और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ऊष्मीय व्यंजन के ह को छोड़कर बाकी जो चारों सॉरी तीनों जो स हैं वो किसमें आएंगे आपके श स स, वो आएंगे आपके अघोष वर्ण। ठीक है जी, वो कैसे आएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ह जो था वो हमने ले लिया था आपका घोष वर्ण। ठीक है जी, तो जो तीनों स बच के ऊष्मीय व्यंजन के उनको हमने लिया अघोष वर्ण। ठीक है जी, यहां तक मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। आगे यहाँ पे टोटल जितने भी हमारी वर्णमाला है, जितने भी हमारे स्वर व्यंजन या जो भी हमारे सारे के सारे जितने भी वर्णमाला है उसका उच्चारण स्थान बताया गया है। तो देखिए जी, कंठ से कौन कौन से वर्ण जो है वो बोले जाते हैं, मैं सिर्फ पूरे वर्णों का बता रही हूँ। तो देखिए जी, क ख ग घ अ खाली अ और आ ह और विसर्गों वाले आहा, ये सारे के सारे उच्चारण कहाँ से, कंठ से, क्योंकि विसर्गों का उच्चारण स्थान जो है वो हमारा कंठ ही है। तालु से च छ ज झ य ई छोटी ई बड़ी ई य श और ज्ञ, य मतलब अंतस्थ, श मतलब ऊष्मीय, ज्ञ मतलब स्योंत व्यंजन। मूर्धा मूर्धा होता है हमारे कंठ और मुख का बीच वाला भाग, कौन से बोले जाते हैं, ट ठ ड ड ण री आपका स्वर, र और श यानी कि आपका ऊष्मीय व्यंजन और आपका अंतस्थ व्यंजन। दंते से मतलब हमारी दांतों की सहायता से, त ध ध ध न लरी, ये जो लरी है वो आपका संस्कृत में स्वरों में ऐड होता है। ल और स मतलब स ऊष्मीय व्यंजन का, ल अंतस्थ व्यंजन का। ओष मतलब हमारे होंठों से कौन से उच्चरित होते हैं, प व ग भ म और ऊ और आपका बड़ा। उसी तरह दंतोष्ट से, तो दंतोष्ट से व यानी कि दंत और ओष्ट दोनों की सहायता से व। कंठोष्ट से मतलब कंठ और ओष्ट की सहायता से आपके स्वर ओ और आ। उसी तरह कंठ तालु की सहायता से, दोनों की सहायता से कंठ भी और तालु की सहायता से ए और ए। कंठ मूर्धा की सहायता से आपका क्ष संयुक्त व्यंज। दंत मूर्धा की सहायता से आपका त्र संयुक्त व्यंज। तालु मूर्धा की सहायता से आपका श्रव संयुक्त व्यंजन। और आपका जो ज्ञ था वो आपका आया था च छ ज झ य, हाँ तालु। ठीक है जी, तो चौथा संयुक्त व्यंजन जो था वो तालु से। अगला आता है आपका नास की मतलब नाक, नाक की सहायता से, तो नाक की सहायता से यानी कि जो वर्ग के जो लास्ट वाले पांचवा वर्ण जो होता है वो नास की व्यंजन भी कहलाता है। वैसे तो उनको हमने यहाँ पे भी ऐड किया लेकिन नास की व्यंजन भी कहलाते हैं, क्योंकि नाक से भी इनकी साउंड आती है तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम नास की व्यंजन। ठीक है जी, वो पूरा कंप्लीट होता है। तो मैंने आपको वर्ण के भेद साथ में वर्णों की जितनी भी संख्या है वो कुल मूल और उनका सबका उच्चारण स्थान वो सब कुछ यहाँ तक करवाया है। जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं वो भी बताए हैं। तो यहाँ तक जो था वो आपका हिंदी का जो फर्स्ट टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।